तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटू पैरेट है, मुझे पता है कैमरे में नहीं समझेगा, बट दैट्स वेरी यूनिक. फ्रॉम शूइंग 46 लाख रुपीज बाइक टू यूनिक पैरेट्स, क्या बात है. वी हैव कम अ लॉन्ग वे. अरे ये गाड़ी देखो कितनी गंदी हो गई, इसको धुलाना है मुझे अच्छे से. वेट वेट, गाड़ी आगे लेने दे. इसका भले गाड़ी कितनी भी छोटी हो, दरवाजा देखो कितना बड़ा है. वो होता है ना कुछ कुछ शॉर्ट लोग होते हैं, शॉर्ट है पर उनका हाथ साला 6 फीट आदमी से भी बड़ा रहता है, वैसा कुछ इसका हाल है. बट टेक इट टू द वॉशिंग प्लेस, पहले हम अपना कर ले, हेयर स्पा कर ले, उसके बाद हेयर स्पा करेंगे, पेडिक्योर करेंगे, मस्त क्या बोलते हैं हेड मसाज देंगे, उसके बाद आराम से. हाँ, दरवाजा बंद कर. गाइस मुझे आपकी मदद चाहिए, अगर आपको ये पता चलता है कहीं पर भी मिलता है स्लर्फ फार्म का, कौन से स्टोर पे, बिकॉज बाकी सब आइटम अवेलेबल, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी आइटम था, उसके बाद मिल नहीं रहा है हम लोगों को इधर. तो किसी को भी पता है कौन से स्टोर में ये मिलता है, प्लीज कमेंट करो, हमको टैग करो. हम अभी स्काई को बहुत ज्यादा पसंद है, हम अभी जाके ले लेंगे. अनुष्का शर्मा जी, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. और हम लोग यहाँ पर आ गए, आप मानोगे नहीं, आज मुझे पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, मेरी छुटकू सी गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं मिल रही थी. और जो मिल रही थी ना नीचे, मैंने वो चौक से लिखा हुआ देखा, तो मैं समझ गया भाई यहाँ गाड़ी टो कर देंगे. तो पवे में बहुत सीरियस हो गया, अभी गाड़ी फटाक से टो करते हैं, अभी लॉक लगा के जा रहे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो. आई डोंट वेस्ट माई टाइम. तो मैं आगे रेस्टोरेंट है, बीरूट रेस्टोरेंट, वहाँ गया. उसको मैंने बोला भाई गाड़ी खड़ी करता, तू पैसे ले ले पार्किंग के, बिकॉज यहाँ पर पेन पार्क वाला वो शटर बंद है, पता नहीं क्यों कुछ मेंटेनेंस चालू है. तो रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करके आया. तो अफजल मेरा हेयर वॉश करेंगे, क्योंकि दूसरा आपका हेयर वॉश करता ना बड़ा मज़ा आता है. तो मेरे बाल छोटे लग रहे होंगे, बिकॉज मैंने हल्का सा ट्रिम किया है. जैसे अगर आपको बाल बढ़ाने हैं ना, तो वो जो लास्ट का वो जो इतना सा रहता है काटना पड़ता है, वरना बाल ठीक से ग्रो नहीं करते. इसलिए अभी 3-4 दिन में वापस बढ़ने लगने लगेंगे. एंड लुक एट शैनिस, वाओ, लुकिंग सो गुड. हेयर मेक्स ऑल द डिफरेंस ना. हां, पर्सनालिटी में. अभी उस गाय को खाने मत देना, याम 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 करके खाती रहती है. अभी धूप आ रही है, अभी समझ में आएगा, देख कितना अच्छा लग. इधर इधर ये होगी ना बात, आईफोन तो एकदम चमका डालेगा. तब तक ही अच्छे रहेंगे जब तक स्काई उनको चूसने ना लग जाए. हाँ, नहीं बड़ा अच्छा है, कराए करी तो उसको सब समझ में आ जाता है कि मेरे अपने बाल में कुछ ऐसे आके. कल तो निकिता के, निकिता को पता क्या क्या, उसने बाल पकड़ा और कूद गई बाल पकड़ के. निकिता ऐसे बिचारी ऐसे. हाँ, बाय द वे शानिस ने डेली व्लॉग चालू किया है, शॉर्ट मिनी व्लॉग्स. शानिस इंस्टा में जाके देखो, और रील पे भी डालती है एवरी डे. So this is the gift which I got from my subscriber. And क्या किया बेटा? तो basically ये सब सब्जी जो है प्लास्टिक की, इसमें भरती है और ये इसको गिरा देती है. इसको बड़ा मजा आ रहा है, देखो भरेगी, उठा उठा के. How cute! Oh, how cute she looks, man. What are you doing? इसको खेलने का, अभी स्टाफ के साथ छुपा छुपी खेल रही है ये. और ये भागते भागते स्काई इधर घुस गई. स्काई कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर. लगा लगा लगा. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे. मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया कल. इनफैक्ट हम लोग बाहर गए थे शॉपिंग के लिए, शानिस का कुछ तो आज इवेंट है, और वो इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसे हम लोग पीछे विक्रोली साइड में, कि आई टू टर्न द कार एंड कम बैक. एंड मुझे नहीं पता ये कितना दिख रहा है, रुक रुक, और लाइट थोड़ी इधर से आने दो. ये दिख रहा है, ये पूरा सूजा हुआ है. हालांकि मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं मेडिकेशन खाने के बाद भी ऐसे थोड़ा पेन कम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा. और अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों. किसी ने तो, किसी भले आदमी ने कमेंट किया कि निखिल भाई डोंट वरी, अभी जब आप सेकंड सीटिंग में जाओगे तो पेन नहीं होगा, बट आई डाउट दैट. आई थिंक इट्स गोना पेन अ लॉट, सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई माइंड. और इसके चक्कर में मैंने बोला कि भाई आज ब्लॉग नहीं डाल. चेहरे पे स्माइल लाते हैं, दर्द वर्द की बातें इग्नोर करते हैं, सब लाइफ में चलता रहता है. और अभी मैं ड्रोन लेके क्यों बैठा हूँ, बिकॉज मुझे रजिस्टर करना है मेरा ड्रोन इन US कनाडा. एक्चुअली US कनाडा में एक ही चीज़ होता है, यूरोप में आई थिंक तीन जगह पे. तो US में मैं नहीं करूँगा, US में करेगा मेरा फ्रेंड आशीष, क्योंकि थोड़ा बड़ा ड्रोन है. मिनी ड्रोन को रजिस्टर नहीं करेंगे तो भी चलता है, लेकिन यूरोप में मैंने रजिस्टर किया हुआ है. लेकिन अपेरेंटली थोड़ा जब बड़ा ड्रोन होता है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए चेंज हो जाता है. कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं अभी, लेकिन रजिस्टर करके छोड़ना बेटर चीज़ होता है. कहावत तो सुनी होगी, अगर चोर पकड़ा गया तो ही चोर कहलाता है. उसी हिसाब से ड्रोन अगर उड़ाते हुए पकड़े गए उस सब कंट्री में, तो ही आप पे फाइन लगता है. एंड ड्रोन को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलेस आप किसी घर के ऊपर से उड़ाओ, पहाड़ से उड़ाओगे, बीचेस में उड़ाओगे, कोई ट्रैक नहीं करता. लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ व्लॉगर, बीइंग अ टूरिस्ट, हमें थोड़ा सेफ खेलना पड़ता है. हमको नीचे कि वहाँ बड़ा फाइन दे के आए. US कनाडा में तो ठीक है, लेकिन यूरोप में दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट.
अनलेस आप एकदम जहाँ कोई इंसान नहीं वहाँ उड़ा रहे हो तो शायद आपको बख्श देंगे। बहुत बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस आ गया है बॉडी में, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी जो दवाई खा रहा हूँ ना इससे काफ़ी मुझे ब्लोटेड फील होता है। शैनिस बोलती तुझे से फील होता है, दिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यू स्टिल लूजिंग वेट, यू स्टिल लुकिंग लीन, बट जब ब्लोटेड फील होता है ना गाइज, जब वाटर होल्ड होता है ना तो अच्छा लगता नहीं है। इनफैक्ट कल जब मैं वर्कआउट करने गया तो वर्कआउट करते रहे भी तो इतना मुझे लेजी फील हो रहा था, बट अपन ने अपना 100% देने की पूरी पूरी कोशिश की। वैसे तो ये ड्रोन की इन्फॉर्मेशन रहती है इसके बॉक्स में, और बट इसका बॉक्स तो मैंने फेंक दिया है, बट कोई टेंशन नहीं, जब रिमोट चालू करेंगे इससे कनेक्ट होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया कि आपको मेरे ड्रोन शॉट इन लद्दाख बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट येस, मेरा 50% आइडिया वही था लद्दाख जाने का कि मुझे ड्रोन उड़ाना है वहाँ पर, वरना तो मैं भोपाल जाके शोभित के साथ वहाँ पर भी हम लोग घूम फिर सकते थे, बट ले का एक वाइब्स अलग है। एंड देखो वहाँ पर अनुन भी मिल गया और प्रभजोत भी मिल गया, और उसी बहाने मेरा आईफोन भी जो है आ गया। एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको किसी को भी ड्रोन फ्लाई करना है ले में जाके, डोंट डू द मिस्टेक ऑफ फ्लाइंग द मिनी ड्रोन, लाइक यू कैन फ्लाई छोटा, जो मेरा दूसरा छोटा ड्रोन है आप उड़ा सकते, किधर है वैसे, हाँ दिखा उड़ा सकते हो आप, टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उड़ाया वैसा मत उड़ाना, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत चलती है, चांसेस है कि वो ड्रोन पलट जाएगा, तो आई डोंट थिंक यू वांट टू रिस्क योर ड्रोन ओवर देयर। और काफ़ी ड्रोन एक्सीडेंट हुए हैं, और जब किसी का भी ड्रोन का एक्सीडेंट होता है वो कभी भी व्लॉग में अपनी स्टोरी में बोलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो काइंड ऑफ एक गलत चीज़। ये रिमोट इस ड्रोन को कनेक्ट हो जाएगा, इसमें एक अबाउट सेक्शन में सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे ड्रोन के, जो कि मुझे भेजना है आशीष को, और फिर जाके मेरे यूरोप के वेबसाइट में उसको रजिस्टर करना है। बट एक बात बोलो, यूरोप पे मुझे ड्रोन रजिस्टर करके कोई मतलब लगा नहीं, तो यूरोपियन कंट्री का मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम यह है कि जहाँ आपको लिटरली उड़ाना है, बेसिकली जब मैं अमल्फी कोस्ट गया था तो वहाँ पर छोटे छोटे क्यूट से घर हैं, मतलब बेसिकली यूरोप इज़ नोन फॉर द आर्किटेक्चर राइट, वहाँ उड़ा नहीं सकते। आप उड़ा सकते हो सिर्फ माउंटेन में और पानी के ऊपर, जहाँ पर लोग बेसिकली नहीं है, और वहाँ आपको इतने मज़ेदार शॉट मिलते नहीं। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर लोग झोल करते हैं, लोग ड्रोन को बहुत पीछे बहुत ऊपर ले लेते हैं, फिर वो शॉट लेते हैं। और अभी यूरोप में नया रूल आया है मिनी ड्रोन्स के लिए, स्पेशल मिनी 4 लॉन्च हुआ है, कि 120 मीटर के ऊपर वो जा नहीं सकते, और 120 मीटर काफ़ी जो है लो होता है, अनलेस आप बहुत ऊपर से टेक ऑफ लो, डिफरेंट स्टोरी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ऊपर से जा रहा है ये चीज़, इसने किया था वैसा, मेरे मुंह पे परेशान नहीं हूँ दांत के दर से, स्काई को भी टीथिंग हो रही है बहुत टाइम से, तो वो भी थोड़े परेशान है। तो मुझे शानिस ने अभी भी बताया कि स्काई उठी थी रात के 3 बजे, ओके आ जा, और स्काई ने मेरे मुंह पे किक मारा था, हाँ, वो लात मारे तेरे फेस पे और सो रहा था, मेरे फेस पे लात मार रही है और मैं सो रहा हूँ, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कहीं इसके, तो मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं दर्द से उठा, मतलब चेहरे पे देखो सूजा हुआ है, जब वो मेरे को मार रही थी, तुझे मालूम है मेरे दांत में दर्द है और तूने मार नहीं दिया, नहीं मैं उसे तो खींच रही थी बार बार, सुबह उठा ये दर्द क्यों हो रहा है, अरे तो पैर रख रही है वो, बोलती मैं रखूंगी तेरे को एक बार चे चमाट, हल्की फुल्की नहीं है वो, ओए 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 बेटा नहीं, यस निशा दैट्स निशा। पहले जब आप पवई रंदने वॉक करते तो इतने डॉग पूप दिखते नहीं, अभी कुछ कुछ जगह में डॉग पूप काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि ऑल दो यहाँ पर जब अगर डॉग पूप करते तो क्लीन करना ज़रूरी है, बट काफ़ी ज़्यादा वॉकर्स जो डॉग वॉकर्स होते हैं ना वो साफ नहीं करते, तो देखने ज़्यादा फाइन नहीं लगता। बट मेक श्योर इफ यू हैव अ डॉग, तो अपने डॉग्स को अपने बेबी की तरह ट्रीट करो, मुझे पता है ट्रीट करते हो, लेकिन प्लीज़ क्लीन द पूप। एक नया कॉफ़ी शॉप खुला है, हम लोग वॉक करते करते सोचा एक कॉफ़ी ले लेते हैं और शेयर करते हैं, नाइस प्लेस टू सिट एंड चिल ना चैनल, और अच्छा बात है कि हर जगह कैलोरीज लिखा हुआ है, तो कल को कुछ खाना हो तो मालूम पड़े कि क्रोसॉन में ऑलमोस्ट 500 कैलोरी होती है। आजकल बहुत रील्स और वीडियोस देखता हूँ मैं कि वॉकिंग इज़ अ बेटर फैट बर्निंग वर्कआउट देन रनिंग और एनी अदर एक्सरसाइज। एक्चुअली वॉकिंग में कैसा है ना, आपको त्रास नहीं आता, आप बस वॉक करते हो आराम से, बट वॉकिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ लूजिंग फैट इन योर बॉडी। अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटा वॉक करने का, तो 10-12-15 किलोमीटर, वरना तो जिम जाओ, मसल ट्रेनिंग करो। मैंने बोला ये जो ब्लोटिंग हो रहा है इसको ठीक करने का एक ही नतीजा है कि भाई आज फाड़ दो पूरी बॉडी की। तो 4.5 किलोमीटर वॉक के बाद मैं गया जिम, और जिम में भी तोड़ फोड़ वाला वर्कआउट किया, उसके बाद मैं भाग के घर पे आया पूरा चढ़ के, तो मतलब वो तो आज हार्ट अटैक वाला वर्कआउट बोलते हैं, सॉरी मैं उसको बहुत गंदा नाम दे रहा हूँ मुझे पता है, बट ऐसा कि मतलब कि आप एकदम बेहोश हो जाओ वाला, जो कि बार बार नहीं करना चाहिए। आई मीन इफ यू सुपर यंग द डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम नॉट सुपर यंग, सो इसके लिए मैंने लिमिट में किया, लेकिन क्या लग रहा है भाई साहब, टाइम टू टेक सम बॉडी पिक्चर। शैनिस को अभी मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, एक बैंड्रा में इवेंट है वहां पे,
और इसको मैंने बोला तू है ना अपने हील्स उतार दे, अरे बैठ ना बैठ, अपने हील्स उतार दे और तू स्पोर्ट्स शूज पहन ले। बोलते ठीक है। इसने अपने हील्स घर पे छोड़ दिए, स्पोर्ट्स शूज पहन के बाहर। मैंने बोला तेरे शूज का है, मतलब तेरे हील्स का है? बोलती ओह माय गॉड, अच्छा हो तूने याद दिलाया। मैंने बोला तेरे को स्पोर्ट्स शूज सिर्फ गाड़ी पे पहनने बोला था। मैंने निकिता हंस रही थी मेरे ऊपर, बोलती है हां तेरा पचका हो जाता आज। अभी निकिता आई करके उसको मैं लेके जा रहा हूँ, और पचका थोड़ी हो जाता है। ये बोलती निखिल मुझे अभी का, बिकॉज ये बड़े इवेंट पे जा रही है, इसके लिए मैं ऐसा नॉर्मल साधारण आदमी बन के जा रहा हूँ और ये एकदम बे बन के जा रही है। बोला तेरे को मैं ड्रॉप करता हूँ, सोरण पाजी के घर के बाजू में कुछ सोरण पाजी घर पर चले जाऊँगा, है ना। देखो एज यूजुअल हम इधर फंसे हुए हैं कब से, और ये दिख रहा है ये रिक्शे वाले लोग, ये देखो इधर ये भी आए एक और, ये सब रॉन्ग वे से जाते हैं आगे जाके, फिर पूरा बॉटल नेक खतरनाक वाला बॉटल नेक होता है एज यू कैन सी ओवर हियर एंड देन वी गेट स्टक। ये जो है ना ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है मुंबई में, और ये ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है, एंड जिसके वजह से सब लोग जो गाड़ी चलाते इरिटेटेड रहते हैं। और कल रात को ऐसा ही सिनेरियो हुआ एंड लिटरली मैं पागल हो गया, आई वेंट मैड, बिकॉज गाड़ी ये गाड़ी लाइक लिटरली 15 से 20 मिनट हिली नहीं है। गाड़ी छोड़ दो बाइक वाले तक फंसे हुए थे, बिकॉज सब लोग रॉन्ग वे से जाके, आगे भी जैम ये भी जैम सब जैम, और ऐसी जगह पे अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक पुलिस रहती नहीं है, बिकॉज कोई नॉर्मल एक कोना है ऐसे टाइम पर रहना चाहिए किसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहुँचा दिया मैडम को, बाय बाय, इसका शॉर्ट्स बन रहा है। कॉल कर मुझे अंदर जाने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शैनिस को यहाँ पर ड्रॉप किया और वो गई है यहाँ पे किधर 8th फ्लोर में, और मैं अभी जा रहा हूँ इधर सामने यहाँ पर सोरण पाजी का ऑफिस है। ये छोटकू को इधर पार्क कर दिया है और ये रहे अंदर। अरे इतनी गाड़ियाँ ले ली, एक पार्किंग करा दो ना बंदोबस्त, अब हमारे घर आते हमको अंदर पार्किंग देते हैं। ये क्या भाई, ये येलो बर्ड्स भी आ गए यार। सर येलो और एक चीज आती है वो मत लेना लेकिन कभी, सूरज देवता मालूम है वाइट है बट दिखता तो येलो है ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये वर्ल्ड की सबसे, तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटू पैरेट है, मुझे पता है कैमरे में नहीं समझेगा बट दैट्स वेरी यूनिक, फ्रॉम शूटिंग 46 लाख रुपीस बाइक टू यूनिक पैरेट्स, क्या बात, वी हैव कम अ लॉन्ग वे।